नमस्कार, क्यूबिकल दिवाली सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं सरिता और आज हम एक और जियोडेसिक क्यूब बनाएंगे। जो हमने कल जियोडेसिक क्यूब बनाया था उससे जो आज बनाएंगे उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि कल हमने क्यूब की एक साइड को दो भागों में डिवाइड किया था और आज हम क्यूब की एक साइड को तीन भागों में डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये बनता कैसे है। हमने क्यूब की हर साइड को तीन बराबर भागों में बांटा और फिर जो डॉट्स थे उनको मिला दिया तो हमें 9 स्क्वायर्स मिले। फिर हमने बीच वाले स्क्वायर को उठाया और ट्विस्ट कर दिया। वो हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये हमारे बीच वाले स्क्वायर जो उठे हुए हैं वो हैं। अब हमें बीच वाला स्क्वायर तो मिल गया लेकिन हमें क्वाड्रिलेटरल चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले स्क्वायर के वर्टेक्स को इस बड़े वाले स्क्वायर के वर्टेक्स से जोड़ेंगे और फिर इस छोटे वाले स्क्वायर के वर्टेक्स से जोड़ेंगे, फिर ये साइड से जोड़ेंगे और फिर ये वाले वर्टेक्स से जोड़ देंगे। तो हम इस लैंप में भी एक क्वाड्रिलेटरल को देख सकते हैं। अब दूसरे क्वाड्रिलेटरल के लिए हम यहाँ से घुमा के ये लाइन यहाँ लेके जाएंगे और फिर ये क्यूब के वर्टेक्स पे और फिर ये वाले वर्टेक्स तक और फिर घुमा के सीधा नीचे ले आएंगे। तो हमें दो क्वाड्रिलेटरल्स मिल जाएंगे और वो ही हमें इस लैंप में भी मिले हैं, एक और दो। और इसी तरह के इस लैंप में हमें टोटल 24 क्वाड्रिलेटरल्स मिले हैं और 6 स्क्वायर फेसेस।